ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, TCS रिले। आज हम उसका TCS रिले का पूरा वर्किंग देखने वाले हैं, कैसे होता है, क्या होता है, और अगर हमको ट्रिप सर्किट फॉल्टी इंडिकेशन आता है तो उसको अटेंड कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो पूरा एंड तक देखिए, एंड में हम लोग देखने वाले कि ट्रिप सर्किट फॉल्टी को ट्रबल शूट कैसे करते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन के सामने देख रहे एक ट्रिप सर्किट का रिले दिखाया हुआ है, ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। उसको 95 ABC भी बोलते हैं, और अगर दो हो गए तो 195 ABC, और ट्रिप टू के लिए 295 ABC। और एक बाजू में एक विंडो एनन्सिएटर पे ट्रिप सर्किट फॉल्टी का इंडिकेशन आया हुआ दिखाया गया है। तो चालू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। एकदम सिंपल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट पावर सिस्टम के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक ट्रिपिंग सर्किट की डायग्राम दिखाई हुई है हमने। ये जो रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी ट्रिपिंग सर्किट है। ठीक है, ट्रिपिंग सर्किट में क्या क्या होते हैं देखेंगे हम। पहले एक ट्रिपिंग कॉइल है, ये ट्रिपिंग कॉइल को कंटिन्यूस नेगेटिव देके रखते हैं हम लोग, ओके। और पॉजिटिव जो है वो इधर से ऐसे एक्सटेंड होता है। पॉजिटिव कहाँ से आता है? पॉजिटिव एक तो आएगा कि हम लोग जब TNC स्विच से हम लोग ट्रिपिंग की कमांड देंगे, मतलब ये जो TNC स्विच है वो TP होगा, तो ये पॉजिटिव जो है वो इधर से ऐसे एक्सटेंड होगा हमारे ट्रिपिंग कॉइल को। या तो कुछ फॉल्ट है और रिले हमारा ऑपरेट हो गया, तो उसका जो कॉन्टैक्ट है वो उसके पैरल TNC स्विच के पैरल में दिया हो रहता है, तो फिर उधर से भी ऐसे आ सकता है ट्रिपिंग का पॉजिटिव। अभी उसको कंटिन्यूस नेगेटिव है और ट्रिपिंग इधर से आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज्ड हो जाता है और वो हमारा ब्रेकर को ट्रिप कर देता है, ओके। तो अभी आज हम लोग को क्या देखने का है कि ये जो ट्रिपिंग की जो सर्किट है उसको हम लोग को मॉनिटर करने का है। अगर इसमें कुछ ओपन होगा किधर भी तो पॉजिटिव जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा आगे ट्रिपिंग कॉइल को, और फिर अगर फॉल्ट होगा तो ब्रेकर वो फॉल्ट क्लियर नहीं कर पाएगा। तो हमको इस सर्किट जो है, ये सर्किट ओके है क्या, इसको हम लोग को मॉनिटर करना है। अभी इसको मॉनिटर कैसे करेंगे? फिजिकली तो हम लोग कंटिन्यूसली देख नहीं सकते उसमें कुछ टूटा है क्या, सर्किट में कुछ ओपन है क्या। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो नेगेटिव जो होता है ट्रिपिंग कॉइल का, उस नेगेटिव को मॉनिटर करते हैं। ये नेगेटिव अगर ट्रिप सर्किट ओके है तो ये नेगेटिव ऐसे इस तरह से आगे आगे एक्सटेंड होगा कॉइल थ्रू, उसको अभी हम लोग को मॉनिटर करने का है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है मतलब वो क्या इम्प्लाई करता है कि ये ट्रिप सर्किट हमारा हेल्दी है, मतलब इसमें कुछ ब्रेक नहीं है। अगर कुछ ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव आगे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अभी इस नेगेटिव को मॉनिटर करने के लिए कुछ रेफरेंस चाहिए, तो हम लोग ये पॉजिटिव का वोल्टेज दे लेते हैं। तो अगर हम लोग मल्टीमीटर इधर लगाए देंगे और मल्टीमीटर का एक प्रोब अगर हम लोग इधर लगा देंगे तो हम लोग को कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस तरह से हम लोग मॉनिटर करते हैं। वोल्टेज मॉनिटर करके हम लोग देखते हैं कि ट्रिप सर्किट ओके है क्या। अभी कंटिन्यूसली वोल्टमीटर तो नहीं लगा के रख सकते हम लोग, तो क्या करते हैं हम लोग एक रिले लगाते हैं 95 ABC, ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले उसको बोलते हैं। उसको एक जो कनेक्शन है वो इधर से ऐसे आ रहा है, और उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट क्लोज सुपरविजन। आप ये जस्ट फेरुल याद रखें, K23A बोलते फेरुल यूज़ करते हैं उसके लिए। और एक इस तरह से आता है ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट थ्रू, ऐसे इस तरह से आता है, उसको बोलते हैं प्री क्लोज सुपरविजन। प्री क्लोज सुपरविजन मतलब क्लोज होने से पहले, मतलब ब्रेकर ऑफ कंडीशन में ये हमको सुपरविजन देता है। ठीक है, और फिर इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं 95 ABC रिले के जो कॉन्टैक्ट्स हैं इसको हम लोग यूज़ करते हैं, एनन्सिएटर को देते हैं। ये हमको जब फॉल्टी होगा तो इंडिकेशन देगा, स्काडा में भी इंडिकेशन हम लोग को आता है। उसके जो कॉन्टैक्ट्स है वो हम लोग ब्रेकर के क्लोजिंग सर्किट में भी यूज़ कर सकते हैं एज एन इंटरलॉक, मतलब अगर हमारा ट्रिप सर्किट फॉल्टी है तो हम लोग ब्रेकर को क्लोज ही नहीं कर पाएंगे,
ओके तो अभी हम लोग ने प्रिंसिपल तो देखा उसका, अभी नेक्स्ट स्लाइड में उसका हम लोग इम्पोर्टेंस देखते हैं कि ट्रिप सर्किट सुपरविजन हम लोग को क्यों करना है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी क्या है कि क्लोजिंग ब्रेकर में क्लोजिंग कॉयल अगर फॉल्टी है तो हम लोग मैकेनिकली भी क्लोज कर सकते हैं ब्रेकर को, मतलब पर अगर ट्रिपिंग कॉयल अगर फॉल्टी होगा तो हमको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं करते हैं हम लोग, क्योंकि ट्रिपिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होता है, रिले थ्रू होता है। अगर कुछ फॉल्ट होगा रिले सेंस करेगा और ट्रिपिंग कमांड देगा हमारे ब्रेकर को, मतलब ये सब ऑटोमेटिक प्रोसीजर होता है। तो ट्रिपिंग कॉयल जब फॉल्टी होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारा ब्रेकर ट्रिप ही नहीं होगा फॉल्ट कंडीशन में। अभी अभी हम लोग आप देख रहे हैं कि एक 20 ये एक ग्रिड सिस्टम है, एक 22 केवी के फीडर्स है, कुछ 22 केवी के फीडर्स है। अगर सपोज इस फीडर पे अगर फॉल्ट होगा और इस ब्रेकर का ट्रिप सर्किट फॉल्टी है तो ये ब्रेकर ट्रिप नहीं हो पाएगा। अगर ये ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा तो जो अपस्ट्रीम का जो ब्रेकर है ट्रांसफार्मर एलवी का वो ट्रिप हो जाएगा। अगर और ये ट्रिप ये रिले ये ब्रेकर अगर ट्रिप होगा तो क्या होता है कि इस 22 के फीडर पे जो बाकी जो फीडर्स है वो भी ट्रिप हो जाते हैं, तो अननेसेसरी इंटरप्शन आता है हम लोग को, ठीक है। और अगर इसमें 22 केवी और 220 केवी के अगर फीडर पे कोई फॉल्ट होगा और उसका ट्रिप सर्किट फॉल्टी होगा तो वो ब्रेकर ट्रिप नहीं हो पाएगा, और ये ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा तो क्या होगा, इस बस का जो LBB है वो ऑपरेट हो जाएगा। LBB ऑपरेट होने से क्या होगा, इस बस पे जितने भी फीडर्स हैं सब फीडर्स ट्रिप हो जाएंगे, तो एक अननेसेसरी इंटरप्शन होगा हम लोगों के लिए और इसमें हम लोग का पावर भी लॉस हो सकता है, ओके। तो अभी हमने देखा कि उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है ट्रिप सर्किट का, ट्रिप सर्किट फॉल्टी होगा तो हम लोग को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम लोग को इसको कंटिन्यूसली सुपरवाइज करना है ट्रिप सर्किट को, और ये सुपरविजन का काम जो है वो हमारे ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले करता है, TCS रिले, ओके। तो अभी हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले का। अभी ये आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले के अंदर कैसे होता है कंस्ट्रक्शन उसका देख रहे हैं हम लोग। ये जो है ये 95A पोस्ट क्लोज एलिमेंट जो होता है उसका कॉयल ट्रिप उसका कॉयल है, ये मेन एलिमेंट सी का कॉयल होता है इसमें, इधर प्री क्लोज एलिमेंट 95B का कॉयल होता है, ठीक है। और ये उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, रिस्पेक्टिव कॉन्टैक्ट्स हैं, और ये कुछ रेजिस्टेंसेस हैं। बाद में हम लोग देखने वाले कि ये रेजिस्टेंसेस भी क्यों यूज़ होते हैं वो भी देखने वाले हैं। अभी इस डायग्राम में इसका इंटरनल कनेक्शन जो होता है अंदर का कनेक्शन कैसे होता है वो दिखाया हुआ है। ये जो है हमारा इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट क्लोज एलिमेंट, मतलब ये जब ब्रेकर ऑन होगा तो ये ऑपरेट होगा और वो पोस्ट क्लोज सुपरविजन हम लोग को देगा। ये है 95B पोस्ट, इसको बोलते हैं प्री क्लोज एलिमेंट, मतलब हमारा जो ब्रेकर ऑफ होगा तो ये ऑपरेटेड होगा और वो सुपरविजन प्री क्लोज सुपरविजन प्रोवाइड करेगा, उसको प्री क्लोज सुपरविजन बोलते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इन दोनों के जो कॉन्टैक्ट्स है उसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करके 95C जो मेन एलिमेंट है उसको देते हैं और उसको कंटिन्यूस नेगेटिव दिया हुआ रहता है, और ये दोनों में से कोई भी रिले ऑपरेटेड होगा 95A या 95B, दोनों में से कोई भी रिले ऑपरेटेड होगा तो पॉजिटिव जो है सी को एक्सटेंड होगा, उसको नेगेटिव कंटिन्यूसली है तो ये 95C जो है वो ऑपरेटेड कंडीशन में रहेगा। अगर हमारा ट्रिप सर्किट हेल्दी है तो ये ऑपरेटेड कंडीशन में रहेगा और ये कोई फिर इंडिकेशन नहीं देगा ट्रिप सर्किट फॉल्टी का, मतलब ये रिवर्स फ्लैग रिले। अभी नॉर्मल रिले कैसे होता है कि कोई भी रिले अगर ऑपरेट हुआ तो उसका इंडिकेशन आता है, पर इस रिले में कैसा है ये अगर ऑपरेट नहीं हुआ होगा तो इंडिकेशन जाता है। तो अभी अगर ट्रिप सर्किट ओके तो ये ऑपरेटेड होगा और फिर कोई इंडिकेशन नहीं जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग इतना ही याद में रखेंगे कि ये हमारा पोस्ट क्लोज एलिमेंट है, ये हमारा प्री क्लोज एलिमेंट है और ये मेन एलिमेंट है, ओके। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग कि उस ब्रेकर के ऑफ कंडीशन में TCS रिले का वर्किंग कैसे होता है। तो इधर तीन
तीन रेक्टेंगल आपको देख रहे हैं, एक ये रिले पैनल, इसमें रिले पैनल है, इस रेक्टेंगल में ब्रेकर है का डायग्राम है, और इसमें कंट्रोल पैनल का है, ठीक है। और है हमारा ब्रेकर जो है वो ऑफ कंडीशन में, तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर का कंट्रोल सर्किट कैसे होता है। पहले भी हम लोग ने देखा था, अभी फिर से लोग पूछ रहे हैं कि ब्रेकर का कंट्रोल डायग्राम एक्सप्लेन कीजिए, तो फिर से एक बार देखते हैं हम लोग ब्रेकर का ऑफ कंड ब्रेकर ऑफ कंडीशन में उसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रेकर में देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। ब्रेकर में ये जो है ये क्लोजिंग सर्किट है, ये हमारी क्लोजिंग कॉइल है, ये हमारी ट्रिपिंग कॉइल है। क्लोजिंग कॉइल और ट्रिपिंग कॉइल को कंटिन्यूअसली हम लोग नेगेटिव दे के रखते हैं, ओके। ये हमारा ऑक्सिलरी स्विच है, ब्रेकर का ऑक्सिलरी स्विच है। ऑक्सिलरी स्विच जो है उसका हम लोग ने एक वीडियो बनाया था ऑक्सिलरी स्विच पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका हम लोग लिंक दे देंगे। ऑक्सिलरी स्विच जो है वो क्या करता है, वो जो हमारी क्लोजिंग कॉइल और ट्रिपिंग कॉइल जो है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। मतलब जैसे पावर कॉन्टैक्ट्स उसके ओपन और क्लोज होते हैं, उसका तो इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स का भी जो स्टेटस है, क्लोज का ओपन और ओपन का क्लोज हो जाता है, और वो हमारे क्लोजिंग कॉइल और ट्रिपिंग कॉइल को, क्लोजिंग सर्किट या ट्रिपिंग सर्किट को ओपन कर देता है, और फिर उसको वो इस तरह से उसको प्रोटेक्ट करता है, ओके। और फिर स्टार्ट करते हैं हमारा, देखते हैं रिले पैनल में कैसे क्या होता है। रिले पैनल में एक डीसी डीबी से हम लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। ये पॉजिटिव है, इसको J1 बोलते हैं, पॉजिटिव है जो ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ थ्रू ऐसे पॉजिटिव हम लोग ब्रेकर को एक्सटेंड करते हैं पॉजिटिव, उसको J1 बोलते हैं। और ये लिंक है, नेगेटिव जो है ये इस तरह से लिंक थ्रू एक्सटेंड होता है ब्रेकर को। तो हमने अभी ब्रेकर को पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिया है, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे क्लोजिंग सर्किट क्या होता है। अभी क्लोजिंग सर्किट में भी हम लोग को एक क्वेश्चन पूछा था कमेंट्स में कि क्लोजिंग में लोकल क्लोजिंग क्या होता है और रिमोट क्लोजिंग क्या होता है। अब देखेंगे कि क्लोजिंग में एक लोकल सर्किट लोकल क्लोजिंग होता है और रिमोट क्लोजिंग होता है, पर ट्रिपिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रिपिंग में रिमोट ट्रिपिंग ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि क्योंकि क्या है कि अगर गलती से भी हमने लोकल रिमोट स्विच लोकल पे रख दिया तो क्या होगा कि वो रिमोट ट्रिपिंग नहीं जाएगा, रिले तो ट्रिप नहीं होगा हमारा, इसके लिए उसको रिमोट ट्रिपिंग ऐसा कुछ नहीं होता, खाली वो रिमोट क्लोजिंग ही होता है, रिमोट क्लोजिंग। अभी हम लोग पहले देखेंगे लोकल क्लोजिंग कैसे होता है। ये जो पॉजिटिव जो आया हुआ है MCB थ्रू, ये लोकल रिमोट स्विच पे जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो डॉट है लोकल पे है, मतलब अगर लोकल रिमोट स्विच की पोजीशन लोकल पे है तो ये पॉजिटिव फर्दर एक्सटेंड होगा TNC स्विच को। अभी TNC स्विच पे आप देख रहे हैं कि डॉट जो है इधर C पे दिया है, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर TNC स्विच की पोजीशन C पे होगी तो ये पॉजिटिव फर्दर एक्सटेंड होगा, ठीक है। हमारा अगर हमारा अभी ब्रेकर ऑफ है तो ये कॉन्टैक्ट जो है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ये क्लोज है, क्लोज होना चाहिए, होगा ये क्लोज, ये क्लोज है, तो हमारा पॉजिटिव फर्दर एक्सटेंड हो सकता है क्लोजिंग कॉइल को। अगर हम लोग TNC स्विच C पे डालेंगे तो पॉजिटिव क्लोजिंग कॉइल को एक्सटेंड होगा और ब्रेकर क्लोज हो सकता है हमारा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग सर्किट, ये हमारा क्लोजिंग सर्किट हो गया। अभी हम लोग रिमोट क्लोजिंग कैसे होते हैं देखेंगे। रिमोट क्लोजिंग क्यों रखते हैं और लोकल क्लोजिंग क्यों रखते हैं। अभी क्या है कि अगर हम लोग को कुछ ब्रेकर पे काम करने का है, काम कर रहे हैं ब्रेकर पे, तो क्या है कि जो लोकल रिमोट स्विच जो है, ये लोकल रिमोट स्विच है, तो हम लोग क्या करते हैं, काम करना, जब जब हमको काम करना है ब्रेकर पे, मेंटेनेंस करना है, तो लोकल रिमोट स्विच को हम लोग लोकल पे डाल देते हैं। लोकल पे डाल देने से क्या होगा कि रिमोट से कोई भी उसको ब्रेकर को ऑन नहीं कर सकता, ठीक है। लोग अगर ब्रेकर लोकल पे है तो रिमोटली उसको कोई भी ऑन नहीं कर सकता, तो इससे क्या होता है कुछ एक्सीडेंट होने से बचता है। मतलब अगर ब्रेकर पे कुछ कोई काम कर रहा है तो कोई उसको रिमोटली क्लोज नहीं कर सकता। अगर हम लोग इसको लोकल रिमोट स्विच को लोकल पे डालते हैं तो उसको कोई रिमोटली नहीं क्लोज कर सकता। अभी रिमोट क्लोजिंग सर्किट कैसे होते हैं देखते हैं हम लोग। तो ये पॉजिटिव जो एक्सटेंड हुआ है,
ये ऐसे इस तरह से रिमोट पे, अगर लोकल रिमोट स्विच रिमोट पे होगा तो इधर हम लोग ने डॉट दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि लोकल रिमोट स्विच अगर रिमोट पे होगा तो ये पॉजिटिव फर्दर ऐसे एक्सटेंड हो सकता है। अभी ये क्या होता है, ये पॉजिटिव जो है ये अंदर जाता है, इसको क्लोजिंग पॉजिटिव बोलते हैं, अंदर रिले पैनल में जाता है। रिले पैनल में ये कुछ इंटरलॉक्स है, इंटरलॉक्स होके फिर ये टीएनसी स्विच को जाता है और फिर इधर से ऐसे जाता है, मतलब पॉजिटिव ऐसा पूरा घूम के जाता है और फिर ये क्लोजिंग को जाता है, ऐसे क्लोजिंग इधर दिया हुआ है और फिर ये ऐसे एक्सटेंड होता है क्लोजिंग कॉइल का, मतलब इसको ये ऐसे पॉजिटिव घूम के जाता है पूरा, इसको बोलते हैं रिमोट क्लोजिंग सर्किट। ठीक है, तो ये टीएनसी स्विच थ्रू ऐसे जाता है, मतलब अगर रिमोट पे होगा तो पॉजिटिव जो है लोकल रिमोट स्विच थ्रू फिर अंदर जाता है, पॉजिटिव जो है लोकल रिमोट स्विच थ्रू जाता है अंदर से, क्योंकि हमको लोकल रिमोट स्विच भी हमको उस सर्किट में लेना है, इसकी वजह से ये ऐसे ये पॉजिटिव डायरेक्टली नहीं जाता, ये लोकल रिमोट स्विच थ्रू घूम के ऐसे जाता है। फिर ये कुछ इंटरलॉक्स है, TCS रिले के इंटरलॉक्स है, 86 रिले के इंटरलॉक है, मतलब हमारा ट्रिप सर्किट फॉल्टी होगा तो ये कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाते हैं, हमारा क्लोज नहीं हो पाएगा। अगर हमारा ट्रिप रिले ऑपरेटेड है फिर भी हमारा जो है ब्रेकर जो है क्लोज नहीं हो पाएगा, इसके लिए वो इंटरलॉक्स दिए हुए रहते क्लोजिंग सर्किट में। ठीक है, अभी हम लोग ने क्लोजिंग का भी सर्किट देख लिया, अभी ट्रिपिंग का देखते हैं, ट्रिपिंग का सर्किट कैसे होता है। ये हमारा ट्रिपिंग का कॉइल है, इसको हम लोग कंटिन्यूस नेगेटिव दे के रखते हैं और जो ट्रिपिंग जो है वो दो दो जगह से जाता है, एक तो ये टीएनसी स्विच थ्रू और ये 86 मतलब ट्रिपिंग रिले थ्रू जाता है। ठीक है, अभी देख रहे हैं कि हम लोग टीएनसी स्विच को कंटिन्यूस हम लोग ने पॉजिटिव देके रखा हुआ है और ये डॉट ये क्या इंडिकेट करता है कि टीएनसी स्विच जब टी पे होगा तो ये पॉजिटिव इसके ऐसे एक्सटेंड होगा पर अभी क्या है ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है, तो ये जो कॉन्टैक्ट है ओपन है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव एक्सटेंड नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्रेकर ऑलरेडी ऑफ है तो उसको फिर से ऑफ तो नहीं कर सकते ना। ओके, और जब ब्रेकर क्लोज होगा तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, फिर उस कंडीशन में हम लोग पॉजिटिव फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं उसको। ठीक है, और फिर अगर कुछ ट्रिपिंग रिले में प्रॉब्लम होगा, अगर कुछ फॉल्ट होगा ट्रिप रिले ऑपरेट होगा तो पॉजिटिव इसे इधर इस तरह से इधर से ऐसे एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो हमने अभी क्लोजिंग सर्किट और ट्रिपिंग सर्किट फिर से एक बार हम लोग ने स्टडी किया है। अभी हम लोग हमारा मेन जो टॉपिक है TCS रिले, उसको वर्किंग देखने वाले कैसे होता है। तो ये जो येलो बॉक्स देख रहे हैं ये हमारा TCS रिले है। अभी इसमें हमने अरेवा का VX31 रिले लिया हुआ है, उसका कनेक्शन डायग्राम देख रहे हैं हम लोग। तो ये जो है 95A जो है हमारा पोस्ट क्लोज एलिमेंट बोलते हैं, मतलब ये जो है वो ब्रेकर ऑन होने के बाद ये रिले हमको सुपरविजन देगा, ब्रेकर ऑफ होने के बाद ऑफ कंडीशन में ये रिले 95B रिले हमको सुपरविजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अभी क्या है 90A जो A को है पॉजिटिव कंटिन्यूस दिया हुआ रहता है। ओके, और नेगेटिव जो है वो इस तरह से ऐसे एक नेगेटिव जो है वो ट्रिपिंग कॉइल थ्रू एक एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट थ्रू इस तरह से 95A के दूसरे कॉइल के दूसरे एंड में देते हैं हम लोग नेगेटिव। ओके, ठीक है, ये 95A का हो गया, 95B को पॉजिटिव कंटिन्यूस इस तरह से ऐसे ऐसे आता है। ओके, 95B को, और नेगेटिव जो है वो ट्रिपिंग कॉइल थ्रू एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के NC कॉन्टैक्ट थ्रू 95B के कॉइल के दूसरे एंड में जाता है नेगेटिव, इस तरह से ऐसे आता है। ओके, तो अभी ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, ऑफ कंडीशन में है तो 95B जो है ये कॉन्टैक्ट जो है ये क्लोज होगा, ये क्लोज रहता है, क्लोज होगा तो नेगेटिव इस तरह से ऐसे एक्सटेंड होता है इधर। ओके, और पॉजिटिव इसको कंटिन्यूसली आया हुआ है तो ये 95B ऑपरेटेड रहता है, 95B ऑपरेटेड है, 95B ऑपरेटेड है तो उसका कॉन्टैक्ट भी ऑपरेटेड होगा। ठीक है, अभी ये जो 95C का देखेंगे हम लोग,
95C ये जो हमारा मेन मेन एलिमेंट है, ये ही एलिमेंट जो है वो एक्चुअली हमको इंडिकेशन देता है एनन्सिएटर पे, स्काडा पे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, पॉजिटिव जो है वो 95A और 95B के जो पैरेलली कनेक्टेड कॉन्टैक्ट्स है उसके थ्रू आता है, ओके, ऐसे ऐसे 95C को, और उसको नेगेटिव कंटिन्यूसली दिया हुआ रहता है 95C को, ओके। अभी क्या है, हमारा 95B ऑपरेटेड है, तो हमारा पॉजिटिव जो है वो इस तरह से ऐसे इधर से सी को एक्सटेंड होगा, ठीक है, और उसको कंटिन्यूसली नेगेटिव है तो हमारा सी ऑपरेटेड होगा, और ये रिवर्स फ्लैग रिले है, अपरेटेड कंडीशन में है, उसके कॉन्टैक्ट जो है वो जैसे कि वैसे ही रहेंगे तो ये कॉन्टैक्ट हमारा ओपन रहेगा, तो ट्रिप सर्किट फॉल्टी का इंडिकेशन नहीं जाएगा हम लोग का ट्रिप सर्किट फॉल्टी का जो एनन्सिएटर को इंडिकेशन है वो नहीं जाएगा, ओके। तो अभी हम लोग ने देखा कि ब्रेकर ऑफ कंडीशन में TCS रिले का वर्किंग कैसे होता है। अभी नेक्स्ट डायग्राम में ब्रेकर ऑन कंडीशन में TCS रिले का वर्किंग कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग। हाँ, अभी ये ब्रेकर ऑन कंडीशन में है। अभी ब्रेकर ऑन कंडीशन में हमने देखा कि पिछले डायग्राम में क्या था, ये क्लोज था, ये ओपन था और ये क्लोज था। अभी सब उल्टा हो गया है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हमारे उल्टे हो गए हैं। अभी उल्टे हो गए तो क्या हो रहा है कि ये जो नेगेटिव है, जो ट्रिपिंग कॉइल थ्रू ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट थ्रू आ रहा है, वो ऐसे 95A को एक्सटेंड होगा, ठीक है, और 95A को कंटिन्यूस पॉजिटिव आया हुआ है तो 95A हमारा ऑपरेट होगा। 95A ऑपरेट होगा तो उसका कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज होगा, क्लोज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पॉजिटिव जो है वो इस तरह से ऐसे सी को एक्सटेंड होगा, 95C को, 95C को कंटिन्यूस नेगेटिव देके रखा हुआ है हम लोगों ने, तो क्या होगा, 95C ऑपरेटेड होगा तो कुछ टेंशन नहीं हमको, ऑपरेटेड होगा तो TCS फॉल्टी का इंडिकेशन नहीं जाएगा हम लोग को, ओके। तो अभी हम लोग ने ब्रेकर ऑन कंडीशन में भी देख लिया कि कैसे TCS रिले का वर्किंग होता है। अभी नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि ट्रिप सर्किट अगर फॉल्टी है तो TCS रिले कैसे काम करता है हमारा, ठीक है। अभी ये आप देख रहे हैं कि इस जगह पे हमारा ट्रिप सर्किट ओपन हो गया है, ठीक है। अभी ये ट्रिप सर्किट ओपन हो गया है, अभी ये ब्रेकर ऑन कंडीशन में है, ट्रिप सर्किट ओपन है, तो ऐसे ये जो नेगेटिव है वो इधर से ऐसे 95A को एक्सटेंड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रिप सर्किट ओपन है, वोल्टेज आगे जाएगा ही नहीं, वोल्टेज आगे नहीं जाएगा 95A को, नहीं जाएगा, उसको पॉजिटिव है 95A को पर नेगेटिव नहीं मिल रहा है ना उसको, तो उसका ये कॉन्टैक्ट क्या होगा, ये ओपन होगा, ये ऑपरेटेड नहीं होगा, ये ओपन होगा तो क्या होगा कि सी को पॉजिटिव एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, उसको नेगेटिव है कंटिन्यूस पर उसको पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, ये जो है 95C जो रिले है रिवर्स फ्लैग होने से क्या होगा, ये रिसेट कंडीशन में है तो उसके कॉन्टैक्ट्स ऑपरेट हो जाएंगे, ये जो पहले कॉन्टैक्ट ओपन था ये अभी क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने से क्या होगा, इसको पॉजिटिव इंडिकेशन पॉजिटिव दिया हुआ है, ये पॉजिटिव इधर से कॉन्टैक्ट थ्रू ऐसे आके हमारे एनन्सिएटर को जाएगा, इंडिकेटर जाएगा, फिर हमको ट्रिप सर्किट फॉल्टी का इंडिकेशन मिलेगा, मतलब हमारा ट्रिप सर्किट फॉल्टी है, सबको इंडिकेट करेगा ट्रिप सर्किट फॉल्टी है, कुछ एक्शन लो, ट्रिप सर्किट फॉल्टी को अटेंड करो, ठीक है। अभी एंड तक वीडियो देखिए क्योंकि एंड में हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रिप सर्किट फॉल्टी होगा तो उसको कैसे हम लोग अटेंड कर सकते हैं, उस फॉल्ट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग ने ये भी देखा, अभी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे आगे जाने से पहले, तो ये दो कंडीशंस है इसमें, ये ब्रेकर ऑफ कंडीशन है और ये ब्रेकर ऑन कंडीशन है। ऑफ कंडीशन में क्या होता है कि ये जो नेगेटिव है जो ट्रिपिंग कॉइल थ्रू इस तरह से ये ऐसे बी को एक्सटेंड होता है, आप देख रहे हैं 95B को, उसको क्या बोलते हैं, प्री क्लोज सुपरविजन उसको बोलते हैं, प्री क्लोज मतलब क्लोज होने से पहले, मतलब ब्रेकर ऑफ कंडीशन में ये 95B ऑपरेटेड होता है, क्योंकि इसको नेगेटिव मिल रहा है, उसको पॉजिटिव कंटिन्यूस है, और ये ए और बी ये दोनों में से कोई भी ऑपरेट होगा तो हमारा 95C ऑपरेटेड रहता है तो कुछ इंडिकेशन नहीं जाएगा फॉल्ट ट्रिप सर्किट फॉल्टी का, ठीक है।
और एक बात बताना भूल गया मैं कि अभी ब्रेकर ऑन कंडीशन में है, तो ब्रेकर ऑन कंडीशन में है तो उसको बोलते हैं पोस्ट क्लोज सुपरविजन। तो इन नेगेटिव ऐसे इधर से 95A को जाता है, 95A को पॉजिटिव है कंटिन्यूस, तो ये इधर से ऐसे 95C को पॉजिटिव मिलता है और हमको कुछ इंडिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके जो कॉन्टैक्ट्स है क्लोजिंग में भी दिए हो रहे थे, अभी देख रहे हैं कि आप ये क्लोजिंग इंटरनल लॉक में भी ये कॉन्टैक्ट दिए हो रहे थे, मतलब अगर ट्रिप सर्किट फॉल्टी है तो ये कॉन्टैक्ट्स हमारे ओपन हो जाएंगे और ब्रेकर को हम क्लोज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने अभी ये रिवाइज किया कि कैसे उसका ऑपरेशन होता है ब्रेकर ऑन और ब्रेकर ऑफ कंडीशन में। अभी नेक्स्ट डायग्राम में कितने TCS रिले कितने यूज़ करते हैं हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये दो सेक्शन में इसको डिवाइड किया हुआ है, एक ये गैंग ऑपरेटेड ब्रेकर है और ये सिंगल पोल ऑपरेटेड ब्रेकर है। ठीक है, अगर गैंग ऑपरेटेड ब्रेकर में 2 number of TCS रिले यूज़ करते हैं, कोई भी गैंग ऑपरेटेड रिले में दो ट्रिप कॉइल होते हैं। ठीक है, ट्रिप कॉइल वन और ट्रिप कॉइल टू। ठीक है, दो ट्रिप कॉइल होते हैं। ये गैंग ऑपरेटेड रिले कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मर्स में और जो फीडर्स जिसमें ऑटो रिक्लोज नई फीचर नहीं यूज़ होता है उसमें हम लोग गैंग ऑपरेटेड ब्रेकर्स यूज़ करते हैं। उसमें खाली दो ट्रिपिंग कॉइल रहते हैं, ट्रिप कॉइल वन और ट्रिप कॉइल टू, दो ट्रिप कॉइल होते हैं। इसके लिए हम लोग दो TCS ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले हम लोग इधर यूज़ करते हैं। ओके, ये हो गया। फिर अगर सिंगल पोल ऑपरेटेड ब्रेकर होगा तो उसमें 6 TCS रिले यूज़ होते हैं। ठीक है, ये सिंगल पोल ऑपरेटेड ब्रेकर्स हम लोग जिधर जिस फीडर्स में ऑटो रिक्लोज फीचर यूज़ होता है उसमें हम लोग सिंगल पोल ऑपरेटेड ब्रेकर यूज़ करते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं 6 number of TCS रिले होते हैं उसमें। अभी ट्रिप सर्किट वन के लिए 3 रिले, ट्रिप सर्किट टू के लिए 3 रिले। अभी ट्रिप सर्किट वन के लिए ट्रिप सर्किट वन आर फेस वाई फेस TC1 ट्रिप सर्किट वन और बी फेस ट्रिप सर्किट वन। सिमिलरली आर फेस ट्रिप सर्किट टू वाई फेस ट्रिप सर्किट टू और बी फेस ट्रिप सर्किट टू। ओके, अभी इसको क्या बोलते हैं R-195 ABC इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं R-295 ABC। ओके, अभी इसमें फेरुल कौन से यूज़ करते हैं हम लोग, K23A और K23AA यूज़ करते हैं और ट्रिप सर्किट टू आर फेस के लिए K53A और K53AA, मतलब ये हो गया हमारा पोस्ट क्लोज और ये होगा हमारा प्री क्लोज। सिमिलरली वाई फेज में ट्रिप सर्किट वन के लिए K25A है पोस्ट क्लोज, K25AA प्री क्लोज है और ट्रिप सर्किट टू वाई फेस K55A K55AA। ठीक है, और बी फेस ट्रिप सर्किट वन K27A K27AA और बी फेस ट्रिप सर्किट टू K57A और K57AA। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कितने रिले यूज होते हैं ट्रिप सर्किट सुपरविजन के और उसमें फेरल्स भी कौन से यूज़ होते हैं वो भी हम लोग ने देखा। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग कि ट्रिप सर्किट फॉल्टी हुआ, अभी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है कि ट्रिप सर्किट फॉल्टी हुआ तो उसको कैसे अटेंड करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है इधर ट्रिप सर्किट ओपन हो गया है हमारा। ठीक है, ट्रिप सर्किट ओपन हो गया है हमारा। तो पहले स्टेप में क्या देखेंगे हम लोग कि ब्रेकर को डीसी मिल रहा है क्या, ट्रिप सर्किट फॉल्टी के इंडिकेशन आया तो हम लोग देखेंगे कि ब्रेकर को डीसी मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये अब लोग जो मल्टीमीटर देख रहे हैं उसका एक प्रोब जो है ये हम लोग J1 को लगा देंगे, मतलब पॉजिटिव को, और एक दूसरा ब्लैक प्रोब है J2 को लगा देंगे। तो हम लोग को वोल्टेज मिलना चाहिए इधर, जो भी वोल्टेज हम लोग ने यूज़ किया है 110 वोल्ट या 220 वोल्ट, इसमें हम लोग को वोल्टेज मिलना चाहिए, मतलब हमारा ब्रेकर को डीसी ओके है। ठीक है, ब्रेकर को डीसी ओके है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ब्रेकर डीसी ओके है। ओके,
ब्रेकर तो डीसी तो है, अभी फिर क्या करेंगे हम लोग? हमने प्रिंसिपल में देखा था पहले, पहले स्लाइड में देखा था कि हम लोग को क्या है कि नेगेटिव चेक करना है, पॉजिटिव जो, क्योंकि नेगेटिव ऐसे ऐसे एक्सटेंड होता है इधर ट्रिपिंग सर्किट में, वो नेगेटिव हमको मॉनिटर, वो नेगेटिव आ रहा है क्या हमको देखना है। वो नेगेटिव अगर आ रहा है मतलब हमारा ट्रिप सर्किट ओके है, उसमें कुछ ट्रिप सर्किट ओके है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किधर ओपन नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव चेक करने के लिए हम लोग को कुछ रेफरेंस पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिव देखना है तो पॉजिटिव हमको लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये जो है मल्टीमीटर का एक प्रोब जो है वो हमने J1 को लगा के रखा है, ये हम लोग कंटिन्यूसली J1 को लगा के रखेंगे, ठीक है। इसको चेंज नहीं करना है, इसको कंटिन्यूसली उधर पकड़ के रखना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, जो ब्लैक दूसरा प्रोब है मल्टीमीटर का, उसको हम लोग ट्रिप सर्किट के पे अलग अलग जगह पे लगा के देखेंगे वोल्टेज आ रहा है क्या, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पहली पोजीशन, ये जो पहला पोजीशन है इसमें क्या किया है हमने, इस जगह पे K23, ये हमारा ट्रिपिंग का फेरुल है, इस जगह पे हमने वो ब्लैक प्रोब लगाया है। अभी आप बोलिए कि इधर हम लोग को वोल्टेज मिलेगा कि इस पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन में हमको वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव मल्टीमीटर को पॉजिटिव तो मिल रहा है क्योंकि इधर है पॉजिटिव है, पर इधर नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है क्या हम लोग को? ये ट्रिपिंग कॉइल थ्रू ऐसे वोल्टेज एक्सटेंड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इधर ये आप देख रहे हैं कि इधर ये ओपन है तो ये नेगेटिव एक्सटेंड नहीं होगा, ओके नेगेटिव एक्सटेंड नहीं होगा तो हम लोग को वोल्टेज नहीं मिलेगा, वोल्टेज हम लोग को पोजिशन वन में जीरो मिलने वाला है, ओके। अभी पोजिशन टू में देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। अभी देखेंगे कि अभी हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव जो है कंटिन्यूसली इधर एक प्रोब लगा के रखा है, नेगेटिव का प्रोब हम लोग इधर लगाया था पोजिशन वन में, इधर लगाया था हम लोग को वोल्टेज नहीं मिला, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग ब्रेकर की डायग्राम में देखेंगे कि इसके बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है। अभी आपके सामने आ रहा है कि एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का NC कॉन्टैक्ट आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के बाद में हम लोग मल्टीमीटर का प्रोब लगा के देखेंगे कि उधर वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है क्या, ठीक है। तो अभी क्या इस सेकेंड पोजिशन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव कंटिन्यूस पॉजिटिव मिल रहा है मल्टीमीटर को, पर नेगेटिव मिल रहा है क्या? तो नेगेटिव इधर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि ये ओपन है इधर, नेगेटिव इधर नहीं मिलेगा। तो सेकेंड पोजीशन में हम लोग फिर भी सेकेंड पोजीशन में भी जीरो वोल्ट हम लोग को मिलने वाला है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, फिर से डायग्राम में देखेंगे कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के बाद कौन सा एलिमेंट है। आप देख रहे हैं कि डायग्राम में एक रेजिस्टेंस, ट्रिपिंग रेजिस्टेंस यूज हुआ है, तो उधर प्रोब लगा के देखेंगे हम लोग, उधर प्रोब लगा के देखेंगे कि क्या वोल्टेज मल्टीमीटर में मिल रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं आप थर्ड पोजीशन में पॉजिटिव तो कंटिन्यूस मिल रहा है हम लोग को, पर नेगेटिव जो है ये इधर आ रहा है क्या? तो इस कंडीशन में क्या है कि हम लोग को वोल्टेज मिलेगा, इधर ट्रिपिंग कॉइल थ्रू वोल्टेज इधर मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आप देख रहे हैं इधर थर्ड पोजिशन में आपको हम लोग को वोल्टेज मिल रहा है 220 वोल्ट। तो अभी आपने देखा कि सेकेंड पोजीशन में मतलब ट्रिपिंग रेजिस्टेंस से पहले हमको वोल्टेज नहीं मिला और नेगेटिव वोल्टेज नहीं मिला हम लोग को, और ट्रिपिंग पोजीशन के बाद मतलब इधर हम लोगों को वोल्टेज नहीं मिला और थर्ड पोजीशन में हम लोग को वोल्टेज मिला है नेगेटिव, मतलब रेजिस्टेंस के पहले वोल्टेज नहीं मिला पर ट्रिपिंग रेजिस्टेंस के बाद में वोल्टेज मिला है, मतलब ये रेजिस्टेंस कुछ ओपन हो गया है हमारा। तो इस तरह से हमने आज फॉल्ट ढूंढा कि हमारा रेजिस्टेंस जो है ट्रिप सर्किट फॉल्टी का रेजिस्टेंस वो ओपन हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, DC बंद कर देंगे ब्रेकर का और ये रेजिस्टेंस उसका रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही रेजिस्टेंस रिप्लेस होगा नेगेटिव जो है फिर से एक्सटेंड होगा और जो हमारा ट्रिप सर्किट फॉल्टी का जो इंडिकेशन है वो इधर से ऐसे नेगेटिव एक
ए को मिलेगा, ये हमारा ऑपरेट हो जाएगा, ये इसका ए कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, टी सी जो सी एलिमेंट को पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव कंटिन्यूस है, फिर ये इसका जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा, ये ट्रिप सर्किट फॉल्टी इंडिकेशन हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, तो इस तरह से हमने आज देखा कि टी सी एस रिले कैसे होता है। और इसमें एक डाउट है हमारा, आप देख रहे हैं कि इसमें आपको एक डाउट आ सकता है कि अगर हमारा ब्रेकर, आप देख रहे हैं कि ब्रेकर ऑन कंडीशन में है, अभी आप देख रहे हैं इसमें आपको एक डाउट ऐसे आ सकता है कि ये जो है ये ब्रेकर ऑन कंडीशन में है तो हमारा जो नेगेटिव है वो ऐसे इस तरह से ऐसे फ्लो हो रहा है, ये इसको ए को नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सर्किट है ये इस तरह से ऐसे सर्किट कंप्लीट हो रही है हमारी, बताता हूँ मैं आपको ये सर्किट कैसे कंप्लीट होती है। ये जो है पॉजिटिव जो है इधर से ऐसे जाके ऐसे हमारी सर्किट कंप्लीट होती है, ठीक है। अब ये सर्किट कंप्लीट हो रही है होती है तो इस और हमारा ब्रेकर ऑन है, इधर से ऐसे करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा। तो आपको डाउट आ सकता है कि ब्रेकर अगर ऑन है तो ये हम लोग ने जो सर्किट बनाया हुआ है टीसीएस रिले के लिए, उस सर्किट से की वजह से क्या होगा कि ये हमारा ट्रिप सर्किट कॉइल जो है वो ऑपरेट हो सकता है, बराबर है ना, ऑपरेट हो सकता है। तो इसके पर हमारा ऑपरेट नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने इधर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, ये हम लोग ने रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रख दिया हुआ है, इससे क्या होता है ये जो करंट जो फ्लो होता है वो रिड्यूस्ड करंट फ्लो होता है, उसके वजह से क्या होता है हमारा ट्रिप कॉइल ऑपरेट नहीं होता है। तो हमने अभी लास्ट में देखा कि ये रेजिस्टेंस का यूज़ क्या होता है वो भी हमने देखा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज पूरा टी सी एस रिले का वर्किंग देखा, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है पर अच्छा वीडियो था, हम आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कैसे उसका फंक्शन होता है, उसको ट्रबल शूट कैसे होते हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी, और लाइक कीजिए और कमेंट में लिख दिए आपको कैसे लगा, कुछ डाउट्स होगा तो भी कमेंट्स में लिख दीजिए, और कुछ आपको रिक्वेस्ट होगा, आपको कुछ जानना होगा और कुछ, या इस वीडियो में कुछ समझा नहीं होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपने पेशेंटली इतना पूरा वीडियो देखा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।